स्वागत है चैनल पे लेसलान में 10 पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसी होती है, कितने टाइम्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले पता होना चाहिए सिम्बल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ये सिम्बल लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी, या फिर लिखा है कि बी ग्रेटर देन ए, या फिर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या ए लेस देन इक्वल टू बी, या फिर ए बराबर बी। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है। तो ये सब जो सिंबल्स हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है हाँ मैथमेटिकल इन इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरह से पूछता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आपको ये जो चीज जो ये सिंबल्स हैं इतना पता होना चाहिए कि ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है हम देखेंगे। तो जहाँ मुँह खुल रहा है, ठीक है, वही बड़ा होता है। पॉइंट टू भी नोट है कि जहाँ पर भी सिंबल का मुँह खुल रहा है वो वैल्यू बड़ी होगी। लेफ्ट साइड को पहले बोलते हैं, उसी से कंपेयर राइट वाला। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को हम पहले बोलते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि फॉर एग्जाम्पल के अगर हम इसको बोलते हैं कैसे बोलते हैं, ये तो बोलते हैं ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ऐसा तो बोलते नहीं है कि बी ग्रेटर देन ए। लिखा तो अगर स्टार्टिंग में ए है तो ए को ही ग्रेटर बोलेंगे। तो पहले जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसको बोलते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट में हम बी को बोलते हैं। इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ पर भी मुँह खुल रहा है, ठीक है, आप ये समझ लो कि जो इसका मुँह है ना, ये मगरमच्छ का मुँह है। जहाँ पर मगरमच्छ का मुँह खुलेगा वही हमेशा बड़ा होगा, इतना आप समझ के चलो हमेशा। ठीक है, अब तीन ही रिलेशन बन सकते हैं, वो क्या रिलेशन वो देखते हैं। या तो ग्रेटर होगा, या स्मॉलर होगा, या इक्वल होगा। ग्रेटर स्मॉलर इक्वल चार नहीं होंगे, सिर्फ तीन होगा। या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो बोले कि ग्रेटर एंड स्मॉलर नहीं तो इक्वल होगा, अगर वो बोला कि ग्रेटर नहीं है ना ही स्मॉलर है तो इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो समझने में आसानी हो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात क्या है, स्टेप वन क्या है कि ये मार्किंग बनाओ सबसे पहले। ठीक है, मार्किंग क्या है, देखो क्या लिखा है, पहले आपको पहले तो रीड करो। ठीक है, स्टेप टू में हम देखेंगे अच्छे से चार्ट क्या है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसा बनाया, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, पी जी डॉलर का साइन है, पी डॉलर क्यू मीन्स पी स्मॉलर और इक्वल टू इतना। ठीक है, तो है क्या, पहले इसको समझने के लिए ना आपको पहले ये चार्ट समझना ज़रूरी है। ये चार्ट आपको दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आप सच में चाहते हो कि आप इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है, तो आपको चार्ट याद होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, या तो आप इसको याद कर लो, अपने दिमाग में याद कर लो। किसको याद कर लो, फॉर एग्जांपल के लिए जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जो स्क्वायर बॉक्स में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट में ये लेस देन और इक्वल टू डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए साइन डाल देना है, फिर यहाँ पर ऐसे एक साइन यहाँ पर डाल देना है जिसका मुँह यहाँ खुलता हो लेफ्ट की ओर को, फिर एक लेफ्ट को मुँह खुलता हो और इक्वल हो। ठीक है, अब पूछे कुछ साइन डालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, बीच में आपको इक्वल टू डाल देना है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको सिंपली क्वेश्चन पिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, और देखो ध्यान देने वाली बात की यही है कि कुछ जो सिंबल्स हैं, ठीक है, उनका कुछ मीनिंग है। मतलब कि जो ये देखो जो ये परसेंट है, ठीक है, परसेंट साइन दिखा रहा है कि दोनों में इंटरजेक्शन है। ठीक है, ये वाले सर्किल में और जो ये वाला सर्किल है उसमें इंटरजेक्शन को दिखा रहा है परसेंट। ठीक है, परसेंट क्या होगा, और हमें से देखें एक ही याद रखना कि जो ऊपर वाला सिंबल होगा वो फादर का होगा, ये फैमिली वन होगी। ठीक है, ये वाली फैमिली वन होगी, फैमिली टू होगी। ठीक है, और जो स्टार होगा वो फादर दिखाएगा, जो नीचे वाला सिंबल होगा वो हमेशा ग्रैंडफादर दिखाएगा। यहाँ पे ग्रैंडफादर, यहाँ पे ग्रैंडफादर। ठीक है, ऊपर वाला फादर जो फादर का सिंबल है वो शो करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो अब किस तरीके से जो ऊपर सिंबल है ना उनसे मैच करना है। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। देखो अगर वो बोल रहा है कि पी कॉपीराइट क्यू, उसका मतलब है कि पी इज़ नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल टू क्यू, अगर उसने ऐसा बोला है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि पी क्या है, कॉपीराइट क्यू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ सिंबल देखो। ठीक है, यहाँ सिंबल क्या दिखा रहा है, कॉपीराइट का सिंबल कहाँ, यहाँ पर है, उसके सामने क्या है, ए लेस देन। ठीक है, जो भी है पी लेस देन, यहाँ पर कॉपीराइट। तो इस कॉपीराइट की जगह क्या आएगा, इस जगह सिंबल आएगा, इसका मतलब क्या है, लेस देन। तो लेस देन का सिंबल यहाँ पर आ गया, पी देन डॉलर का साइन क्यू मीन्स p
पी इज नॉट स्मॉल एंड नॉट इक्वल टू क्यू, ठीक है, इसका मतलब यही तो होगा कि ना पी स्मॉल एंड ना इक्वल है, और साइन कौन सा आएगा, देखो डॉलर का साइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वही साइन आ जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब अगर ग्रेटर देन है तो ना ही स्मॉलर होगा ना ही इक्वल होगा, मतलब क्या होगा ग्रेटर देन होगा, फिर पी स्टार क्यू में क्या आएगा, ये देखो फादर का साइन है तो इक्वल होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, ठीक है, तो ग्रेटर नहीं है सॉरी मतलब लेस देन होगा और इक्वल होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा ग्रेटर नहीं है क्यू से, ठीक है, बल्कि क्या है लेस देन और इक्वल है, फिर आएगा पी एट द रेट क्यू, ये देखो यहाँ पर एट द रेट आ गया, उसका मतलब वो स्मॉलर है पी स्मॉल नॉट स्मॉलर देन क्यू, ठीक है, फिर पी परसेंटेज क्यू, पी मतलब ग्रेटर नॉट स्मॉल, नहीं बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब क्या है बराबर है, तो इस तरीके से हम जो सिंबल से हमको रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टार्ट में, ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, अब देखो इसमें क्या क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट दे देंगे आपको, आपको जो कंक्लूजन है वो फाइंड करना पड़ेगा, कैसे, मान लो चार जो उसने कंक्लूजन चारों कंक्लूजन को सही करना होगा तभी एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है, मतलब कि चारों जो कंक्लूजन को पता लगाना पड़ेगा तो आपको जाके एक मार्क्स मिलेगा, इफ़ एनी वन गेट रॉन्ग नो मार्क्स यू गेट, ठीक है, मान लो उनमें से एक भी गलत हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, अब कैसे, ठीक है, तो आंसर या राइट या रॉन्ग होगा, ठीक है, अनमाइंडेड या कैन नॉट डिफाइन नहीं होगा, हमें से याद रखना, अनडिटरमाइंड या फिर कैन नॉट डिटरमाइन ऐसा कभी नहीं होगा, या आंसर राइट होगा, देखो जैसे यहाँ टिक होगा या गलत होगा कंक्लूजन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट देगा आपको, देखो ए कॉपीराइट बी बी स्टार सी देन सी परसेंटेज डी, ठीक है, अब करना है क्या आपको, ठीक है, अब करना ये है कि आपको इनमें से पता लगाना है कि क्या जो ये वैल्यू दे रखी हैं ये सही है, क्या ए कॉपीराइट बी है, क्या बी कॉपीराइट डी हो सकता है, तो आपको इस तरीके से पता लगाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसे कंक्लूजन दे रखा है, क्या बी कॉपीराइट डी हो सकता है, क्या बी स्टार डी हो सकता है, क्या ए कॉपीराइट डी हो सकता है, समझ आ रहा आपको, तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कैसे फाइंड आउट करोगे, जो हमारी टेबल थी, ठीक है, उसकी विद रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना है कि लेफ़्ट टू राइट मूव ओनली, हम लेफ्ट से राइट ही मूव करेंगे इन कंक्लूजन में, ठीक है, मतलब कि पहले फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहाँ ए कॉपीराइट डी है तो हम ए कॉपीराइट डी से मूव करेंगे, ये नहीं कि आप डी कॉपीराइट ए से मूव करोगे, ये गलती मत करना, मतलब जैसे आप यहाँ देखो इफ़ ट्रू देन गोज कंडीशन टू, ठीक है, अगर देखो पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो दूसरी कंडीशन में जाएंगे, फिर हम कुछ एक्सेप्शन केस भी पढ़ेंगे जो इसमें बेसिकली फॉलो होते हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर वो है तो हमको बहुत क्या कहते हैं सतर्क बना के रखना है, मतलब हमें कॉशियस होना है कि कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने बोला कि लेफ्ट टू राइट मूव ऑन लिए, ठीक है, कंक्लूजन तो देखो इसमें सी के उल्टे हाथ की तरफ ए होना चाहिए, ठीक है, देखो सी के उल्टे हाथ की तरफ ए होना चाहिए, ओनली फर्स्ट ए, ठीक है, तो ये फर्स्ट में ही ए हो सकता है, कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हमने टेबल पढ़ी थी, ठीक है, आपको मैं टेबल दिखा दूँ दोबारा से, अभी देखो ये टेबल है, ठीक है, इसमें क्या हमने पढ़ा था कि पी कॉपीराइट क्यू, तो वैसे ही ए और बी का पी और क्यू को हमने ए और बी से रिप्लेस कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर क्यू यहाँ पर आ जाता पी की जगह, अब पी की जगह क्यू आ जाता और क्यू की जगह पी आ जाता, ठीक है, तो क्या फिर भी वही सिंबल इस्तेमाल होता, नहीं होता, क्योंकि अब जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है, तो जो अगर वैल्यू चेंज होगी तो सिंबल भी चेंज हो जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और कंडीशन टू क्या है, देखो जितने सिंबल आते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन में नोट देम इन बिगेस्ट सिंबल फाइनलाइज, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी सिंबल्स हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जब मूव करोगे कंक्लूजन में तो आपको क्या करना है, सबको नोट करना है, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट आया स्टार आया तो इसको देखना सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा किस हिसाब से देखेंगे, कॉपीराइट और स्टार में कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो एक बार देखते हैं कॉपीराइट ये है और स्टार कहाँ पर, यहाँ पर है, तो ग्रैंडफादर और फादर में बड़ा कौन सा होता है, हमेशा ग्रैंडफादर बड़ा होता है, जब आपने टेबल बनाई तो आपको चलेगा कि नहीं क्या जो ग्रैंडफादर है वो बड़ा है, नीचे सिंबल है वो कॉपीराइट का है, कॉपीराइट का सिंबल बड़ा हो जाएगा तो ग्रैंडफादर में बड़े हो जाएंगी, स्टार का सिंबल छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको मूव करना है और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया, अब क्या है कि ए कॉपीराइट सी फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ भी कॉपीराइट यहाँ भी सेम तो ऑल गुड, फॉर एग्जांपल के लिए ए कॉपीराइट सी दे रखा है, ठीक है, यहाँ भी कॉपीराइट यहाँ भी कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, दो सिंबल अगर सेम जैसे तो वहाँ पर वही जो सिंबल है, ठीक है, वही सिंबल आ जाएगा, लेकिन अगर बड़ा छोटे में आएगा तो फिर आपको जो बड़ा वाला सिंबल है वही लेके चलना है, ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है इसमें, ठीक है, एक्सेप्शन देख लेते हैं, देखो पहले एक्सेप्शन करने से पहले ना पहले एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ताकि हमें तो क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, अब हम यहाँ देखिए यहाँ स्टेटमेंट देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए पी डॉलर क्यू, ठीक है, देन क्यू एट द रेट एस देन एस परसेंट टी देन टी कॉपीराइट
कॉमा देन उसके बाद फिर डब्ल्यू स्टार ए देन ए परसेंट बी, ठीक है। अब कंक्लूजन आपको देखा है क्या, क्यू स्टार टी सही रहेगा। देखो क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, ठीक है, और टी कहाँ पर है, राइट साइड को है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल हो रखे हैं, पी क्यू एंड एस टी डब्ल्यू ए बी, ठीक है, और कुछ रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, जो सिंबल्स हैं उनको लिख लेना है, ठीक है। लेफ्ट से हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो भी सिंबल्स आएंगे ना वो लेफ्ट से राइट आएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट ही हम मूव करेंगे, ठीक है। और जितने भी सिंबल्स हैं उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा कौन सा है और जो बिगेस्ट सिंबल होगा उसको हम फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट चलो हम बढ़ते हैं अब क्यू से कहाँ को, क्यू से बढ़ते हैं हम टी की ओर को। कंक्लूजन में देखा ना कि क्यू स्टार टी सही रहेगा या गलत होगा, ठीक है, या पी डॉलर का साइन टी सही रहेगा या टी कॉपीराइट बी सही रहेगा या बी डॉलर का साइन टी सही रहेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं क्यू स्टार टी से। देखो क्यू क्यू कहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, ठीक है, ये देखो क्यू यहाँ पर है, टी का सिंबल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इनके बीच में कौन कौन सिंबल आ रहा है, एक आ रहा आपका एट द रेट, एक आ रहा है परसेंट, ठीक है, आपने एट द रेट और परसेंट लिखा। अब आपको ध्यान में रखना है कि एट द रेट और परसेंट में कौन सा बड़ा होता है, मतलब कि एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब फादर होता है। अगर आपने टेबल आपने लिखी होगी, अपनी कॉपी बनाई होगी, तो आपको पता होगा कि एट द रेट का सिंबल होता है फादर का, ठीक है, और इक्वल का सिंबल होता है सन का। अब देखो ये दो सिंबल साथ में नहीं आएंगे, कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब क्या, देखो मतलब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये सिंबल बता रहा है कि एट द रेट का मतलब क्या था, फादर था, परसेंट का सिंबल था सन का। तो ये बोल रहा है कि जो पहले क्या होगा, पहले फादर आएगा फिर द, फिर उसके बाद क्या करते हैं जो सन बड़ा है, नहीं 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 अगर हम लेफ्ट से, हमें पता है कि हमें लेफ्ट से राइट पढ़ना है, ठीक है, स्टेटमेंट में हमें लेफ्ट से राइट बढ़ना है, कंक्लूजन में लेफ्ट से राइट बढ़ना है, तो कैसे जो जो सन है वो बड़ा हो जाएगा फादर से, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप दूसरा कंक्लूजन देखो, पी डॉलर का साइन टी, ठीक है, अब हमने क्या लिखा, परसेंट लिखा, देखो पी कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें देखो आप पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं पी है और कहीं पी नहीं है। अब टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो कितने सिंबल के बाद आ रहा है, एक दो तीन, पहले डॉलर का साइन, फिर एट द रेट, फिर परसेंट, ठीक है, सब लिख लिया हमने, ठीक है, तो पहले डॉलर देन एट द रेट देन परसेंट लिख लिया। अब आप ये देखिए क्या, देखो आप तीनों जो सिंबल्स को लिखोगे तो आप देखोगे सबसे बड़ा कौन सा है, परसेंट में से, एट द रेट में से, डॉलर साइन में से सबसे बड़ा कौन सा है, डॉलर का साइन है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि डॉलर का जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था ग्रैंड फादर को। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये देखो डॉलर का साइन कर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रैंड फादर को, कॉपीराइट का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी एट द रेट का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को, ये देखिए, एंड जो आपका परसेंट का सिंबल है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फैमिली है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के देखो, अभी फैमिली देखो यहाँ पर, अगर मान लो इस फैमिली के ही तीन लोग हैं, ये आपका परसेंटेज हो गया, डॉलर का साइन हो गया और एट द रेट का साइन हो गया, ठीक है, तो तब तो सही है, तब तो इनमें जो बड़ा है वो अगर साइन में है तो ठीक है। फॉर एग्जांपल इस फैमिली का जो मेंबर है वो साइन में है और सबसे बड़ा जो मेंबर है वो आ रहा है, ठीक है, सब तो सही है कंक्लूजन में। बट अगर जो फैमिली का मेंबर ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है, उस फैमिली का मेंबर नहीं है और कंक्लूजन में भी जो सिंबल दे रखा है वो कुछ अलग ही दे रखा है, तो वो अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए दोबारा से एक बार जो पहला कंक्लूजन उसको देखो, तो क्यू स्टार टी लिखा है, ठीक है, क्यू स्टार टी लिखा है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो जो फैमिली के जो दूसरे मेंबर है ना, देखो वहाँ पर क्यू से लेकर टी तक ना दो साइन आते हैं, एट द रेट और परसेंटेज, ठीक है, ये साइन आते हैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो स्टार का साइन है ही नहीं, स्टार साइन है नहीं है, ठीक है, तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हम आगे चेक करते हैं तो हम क्या पता चलता है कि एट द रेट और जो परसेंटेज होता है, ठीक है, वो एक फैमिली के मेंबर हैं लेकिन स्टार अलग फैमिली का मेंबर है, तो हम तो कह सकते हैं कि पहले ही गलत हो गया, इस फैमिली का, हमारी फैमिली को बिलोंग ही नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता, हम उसको देखेंगे क्यों, हम उसको हटा देंगे। अब अगर एक बार हम फोर्थ वाले देखते हैं, ठीक है, फोर्थ वाले में क्या है, बी से लेकर टी तक, ठीक है, बी कहाँ पर है, देखो बी यहाँ पर है, ठीक है, टी कहाँ पर है, यहाँ है, उल्टा भी आप जा सकते हो, ठीक है, सॉरी बी से लेकर टी, हाँ बी से लेकर टी तक है, उल्टा भी जा सकते हो,
लेकिन आपको जो सिंबल्स हैं उनको फिर उल्टे लिखने पड़ेंगे ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि इसमें कौन सा सिंबल दे रखा है, डॉलर का सिंबल दे रखा है ठीक है। तो आपने परसेंटेज लिखा, देन स्टार लिखा, देन कॉपीराइट लिखा ठीक है। अब इसमें आप देखोगे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, तो आपको चलेगा कि कॉपीराइट सबसे बड़ा है ठीक है, क्योंकि वो ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है। और आपको पता चलेगा कि डॉलर भी सबसे बड़ा है, ये भी ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखोगे कि फैमिली तो अलग है लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है ठीक है वो सेम है, तो ये भी सही हो गया। तो फैमिली के अंदर ही अगर जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही आ रही है वो तब भी सही हो सकता है ठीक है, तब भी चांस रहते हैं कि वो सही हो सकता है ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है इस माध्यम से ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो ये रहा है कि अलग अलग फैमिलीज हैं ठीक है। मान लो एक फैमिली वन है, दूसरी फैमिली टू है, फैमिली वन के जो सिंबल्स हैं जो भी मेंबर्स हैं उनको हमें मैच करना है फैमिली टू के मेंबर से सिंबल्स है ठीक है। हमें नाम नहीं पता, हमें कुछ नहीं दे रखा, बस हम सिंबल्स दे रखे, हमें सिंबल्स मैच करने हैं और देखना है कि वो सेम फैमिली के हैं, उनमें से सबसे बड़ा सिंबल्स क्या वो वहाँ पर कंक्लूजन आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है। कंक्लूजन का कुछ मतलब नहीं, जो स्टेटमेंट का मतलब है ना, स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आपको अलग अलग सिंबल्स दे रखे हैं, कंक्लूजन में बता रहा है कि क्या जो फैमिलीज के मेंबर हैं जो हमें कंक्लूजन में लिखा है क्या वैसा वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं असली लाइफ में या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो क्रॉस ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़ने का और मैथमेटिकल इक्वेशन को पढ़ने का ठीक है, और हमारा कुछ अलग से मोटिव नहीं है। अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन है ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि इफ़ सेकंड वाला पहले के लेफ्ट ना हो तो, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आप ये देखो स्टेटमेंट दे रखा आपको पी स्टार पी डॉलर क्यू देन क्यू एट द रेट एस फिर एस परसेंटेज टी देन टी कॉपीराइट डब्लू देन डब्लू स्टार ए देन ए परसेंटेज बी ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है कि बी जो बी है ठीक है वो डॉलर फिर डॉलर साइन देन टी ठीक है। यहाँ टी के लेफ्ट में बी नहीं है ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है बी, कहाँ पर है यहाँ पर बी है यहाँ पर आपका यहाँ पर, और टी कहाँ पर है टी यहाँ पर है। तो टी के लेफ्ट में बी भी तो है ही नहीं, मतलब टी के अगर लेफ्ट में देखा जाए तो क्या है ए है लेकिन बी तो है, सॉरी बी सॉरी हाँ देखो यहाँ टी की अगर लेफ्ट में देखा जाए तो क्या बी है ही नहीं। समझ मारा आपको, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या बोला था, हमने जो कंडीशन पहले पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट मूव ओनली ठीक है। इन कंक्लूजन के उस कंक्लूजन के समय में इसमें सी के उल्टे हाथ की तरफ ए होना चाहिए ठीक है, सी के उल्टे हाथ की तरफ ए होना चाहिए ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंक्लूजन दे रखा है कि ए कॉपीराइट सी, तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि जो आपकी जो जो फॉर्मेशन है ठीक है वहाँ पर भी ऐसी हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दे रखा है कि क्यू स्टार टी ठीक है, क्यू स्टार का टी दे रखा है तो ऐसा होना भी चाहिए कि जो उसके लेफ्ट साइड में हो ठीक है। किसके लेफ्ट, लेफ्ट साइड में टी के लेफ्ट में बी होना चाहिए ठीक है, वैसे ही टी के लेफ्ट में क्यू होना चाहिए ठीक है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर हमारी गलत हो गई नहीं हो गई कि टी के लेफ्ट में तो है ही नहीं बी, तो आगे क्या हमें बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर एक्सेप्शन केस क्या आ जाता है, देखो इफ कंडीशन एंड गेट फॉल्स वी इंटरचेंज वैल्यू एंड सिंबल के फ्रंट वाले सिंबल पुट डाउन इन चार्ट। कहने का मतलब क्या है, कंडीशन मैच नहीं हुई लेकिन हम क्या करेंगे अपना जुगाड़बाजी करेंगे ताकि जो सिंबल्स हैं उनको इंटरचेंज करके हम अपना काम चला सकें। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए इसमें बोल रखा है कि बी बी डॉलर टी ठीक है। अब क्या हम क्या करेंगे, बी डॉलर डॉलर टी के हम इंटरचेंज कर देंगे। अगर हम इंटरचेंज क्या क्या करेंगे, टी की जगह बी की जगह टी रख देंगे, टी की जगह बी रख देंगे, तो क्या होगा जो सिंबल्स है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे ठीक है। डॉलर की जो डॉलर का साइन है उसके बदले क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। कैसे, अब आप देखो दोबारा से चार्ट देखो, डॉलर का साइन यहाँ पर था, डॉलर का साइन यहाँ पर था, इसके सामने क्या है कॉपीराइट है। तो जो भी जो सभी साइन सिंबल सामने होते हैं ना वो उसके सामने उसके 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 जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर वो सिंबल आ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एट द रेट को हम मान लो कि यहाँ पर हमें कुछ इंटीजर करना है ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू पी और क्यू है ठीक है, हमें क्यू को पी में करना है और पी को क्यू क्यू में करना है, लेकिन जो सिंबल है वो एट द रेट है। जैसे ही हम वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो एडिट के बदले यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टार आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब बैक टू क्वेश्चन में आते हैं, बैक टू क्वेश्चन में क्या था हमारा, देखो देखो यहाँ पर क्या था, देखो जैसे ही पी डॉलर साइन क्यू था ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या उसके लेफ्ट में वो है नहीं है। मतलब हम हमेशा देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो टी से है ना टी से हम क्यू की ओर देखेंगे तो लेफ्ट से देखेंगे ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी है, तो हम देखेंगे क्या टी के लेफ्ट में क्यू है, टी के लेफ्ट में क्यू है, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई है ठीक है। देखो यहाँ पर क्यू है, टी के लेफ्ट में तो है क्यू ठीक है, ये तो वाली बात क्लियर हो गई। लेकिन गलती क्या हो रही है, लेकिन गलती ये हो रही है कि
जो वैल्यूज आ रही हैं ठीक है वो क्या आ रही हैं, अटपटी आ रही हैं। मतलब एट द रेट आया फिर 10% आया जो कि एक फैमिली का है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा गलत हो गया। लेकिन ये वैल्यूज वैसे सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि ये अगर हमें जहाँ से ना है, ठीक है, क्या वो पहली कंडीशन में सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही है, तो लेफ्ट से राइट हम उस वैल्यू को जाँचेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर पी और टी को देखें तो वो कैसे हम जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है लेफ्ट में, ठीक है, टी कहाँ है राइट में, तो क्या राइट टी के लेफ्ट में ठीक है, अपने टी आप बैठे होते हो आपने लेफ्ट में देखोगे तो क्या टी के लेफ्ट में पी आता है, आता है, सही है। टी कॉपी एड बी है, बी कहाँ पर है, बी देखो यहाँ एक यहाँ पर देखो लास्ट में, तो हम देखेंगे क्या बी के लेफ्ट में टी आता है, बिल्कुल आता है, सही है। देखेंगे देखेंगे हम क्या बी डॉलर साइन टी, ठीक है, तो क्या टी के लेफ्ट में बी आता है, टी के लेफ्ट में बी आता है, देखिए कहाँ पर है टी, तो ये टी है, कैसे लेफ्ट में बी आ रहा है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर टी के लेफ्ट में भी आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारी कंडीशन गलत हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम ऑपरेट कर सकते हैं वैल्यू को इंटरचेंज करके, ठीक है, कैसे इंटरचेंज करेंगे, जो डॉलर साइन है उसके बदले क्या आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे कॉपीराइट में कि सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, तो कॉपीराइट का सिंबल सबसे बड़ा आएगा कॉपीराइट के उसमें और किस में डॉलर साइन के उसमें, तो दोनों ही सिंबल्स बड़े हैं, ठीक है, कॉपीराइट भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो फिर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, टी के बल्दी भी आ जाएगा, बी के बल्दी आ जाएगा, तो इस तरीके से हम जो वैल्यू उसको इंटरचेंज कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शन केस था। अब ये देखो यहाँ कंडीशन कंक्लूजन तरीका है कि बी डॉलर साइन टी, तो यहाँ टी के लेफ्ट में हमने बी नहीं, ठीक है, इफ कंडीशन एंड गेट बैक फॉल्स वैल्यू, ठीक है, बी इंटरचेंज वैल्यू सिंबल की फ्रंट वाला सिंबल आ जाएगा। नोट करने वाली बात की है कि इफ पर्सन साइन केम देन इज इक्वल टू दिस रिमेन द सेम, ठीक है। तो अगर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज का सिंबल आ गया, ठीक है, देन जो इजिकल टू है, ठीक है, वो ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर आओ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है, अगर वैल्यू मान लो वैल्यू में ए परसेंटेज भी आता है, ठीक है, तो वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होगा, परसेंटेज का सिंबल ही रहेगा, वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, लेकिन जो सिंबल्स है वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट देखा है, ठीक है, एक्स ड्रॉ का साइन देन वाई, वाई एट द रेट डब्ल्यू, देन हमें पूरी स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। अब इसने बोला कि डब्लू डॉलर का साइन देन एक्स, डब्लू डॉलर एक्स देन पी डॉलर डब्लू एम स्टार एफ एफ एट द रेट एक्स, ठीक है। तो आप देखोगे क्या एक्स के लेफ्ट में डब्लू आता है, एक्स कहाँ पर है, एक्स तो स्टार्टिंग में है और इसके लेफ्ट में तो कुछ आता ही नहीं है, तो मतलब गलत है। तो हम वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, एक्स यहाँ रखेंगे, डब्ल्यू यहाँ रखेंगे, डॉलर के बदले क्या आ जाएगा, कॉपी आउट आ जाएगा। तो आपको वैल्यू टेबल है अच्छे से याद रखनी है कि सबसे ऊपर टेबल में क्या है, सबसे ऊपर साइंस उल्टे उल्टे हैं, ठीक है, सबसे ऊपर ग्रैंडफादर आते हैं, फिर नीचे फादर आते हैं, बीच में इक्वल को साइन है, ठीक है, दो फैमिली बनती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, सबसे ऊपर लेफ्ट में आता है आपका स्टार का साइन, उसके नीचे आता है कॉपीराइट का साइन, देन परसेंटेज बीच में आता है, देन आता है आपका एट द रेट, देन आता है आपका क्या डॉलर का साइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बार बार आपको देखना है वो टेबल को, धीरे धीरे करके आपको याद आ जाएगा, एकदम से याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाना है, ठीक है। हमने क्या किया, हम देखो यहाँ पर भी वैल्यू वैसे नहीं थे, हमने इंटरचेंज किया, पी के बदले हमने डब्ल्यू रखा, कॉपीराइट आ गया, जैसे यहाँ डॉलर था उसके बदले कॉपीराइट आ गया, ठीक है, स्टार के बदले एट द रेट आ गया, देन एट द रेट के बदले यहाँ पर स्टार आ गया, वैल्यू चेंज कर दिया हमने। अब हमने देखा कि डब्ल्यू के क्या लेफ्ट में एक्स आता है, डब्ल्यू के लेफ्ट में एक्स आता है एट द रेट और डॉलर के बाद, ठीक है, तो एट द रेट और डॉलर देखा, तो एट द रेट और डॉलर में बड़ा कौन सा है, यही है ना, क्या इनमें से जो बड़ा है वो कॉपीराइट में आता है, नहीं, कॉपीराइट का तो अलग फैमिली का आता है, और इनमें से जो बड़ा है वो तो कौन सा है, वो तो ऐट द रेट है, लेकिन सॉरी वो तो डॉलर है, लेकिन वो अलग फैमिली होगी, अलग फैमिली होगी, तो ये हमने काट दिया, गलत हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, डब्ल्यू से लेकर पी तक, डब्ल्यू से लेकर पी तक हमने सॉरी अब हाँ सॉरी पी से लेकर डब्ल्यू, तो पी कहाँ पर है, देखो पी 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 यहाँ पर है, ठीक है, डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ है, कितने साइन वाला है, तीन साइन वाला, डॉलर साइन आ गया, स्टार साइन आ गया, परसेंटेज साइन आ गया, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या डॉलर एक ही फैमिली का साइन है, सॉरी मतलब क्या परसेंटेज हाँ देखो परसेंटेज एक ही फैमिली का साइन है, परसेंटेज क्या है, सन होता है बराबर सब में, ठीक है, इतने सेम है, देन स्टार, ठीक है, स्टार एक ही फैमिली का, कॉपीराइट भी एक ही फैमिली का है, तीन एक ही फैमिली के, यहाँ भी कॉपीराइट है, सही हो गया। सबसे बड़ा कौन सिंबल कौन सा, तो कॉपीराइट सबसे बड़ा सिंबल होता है, नीचे वाला सिंबल कॉपीराइट और डॉलर का साइन, तो कॉपीराइट सही हो गया, हमने टिक कर दिया। यहाँ पर ऐड देखो आप यहाँ करोगे तो मैंने फटाफट से यहाँ सॉल्यूशन कर दिया, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ,
फिर हमने सीधा एट द रेट और परसेंटेज लिया, इसमें से बड़ा कौन सा था, एट द रेट, यहाँ भी एट द रेट है, यहाँ भी एट द रेट है, परसेंट है, दो फैमिली मेम्बर दे रखे, दो फैमिली के मेम्बर में सबसे बड़ा कौन सा है, एट द रेट सबसे बड़ा, क्योंकि वो सॉरी मतलब फिर ये आपका हाँ एट द रेट बड़ा, क्योंकि परसेंटेज तो क्या होता है सन होता है, तो इसमें एट द रेट बड़ा है तो एट द रेट सबसे यहाँ पर आ गया, काम खत्म, सॉल्यूशन आ गया। दैन फिर हमने सेम ये वहाँ पर भी हमने क्या क्या किया, देखो ये चार सिंबल की बात है ठीक है, और इसमें कॉमन सिंबल है स्टार, यहाँ पर भी स्टार है। अब हम देखा कि क्या एक ही फैमिली के हैं, तो नहीं, स्टार और जो स्टार है कॉपीराइट तो एक ही फैमिली के हैं, लेकिन एट द रेट अलग फैमिली का है, और जो बड़ा है सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, तो बड़ा इसमें क्या कहते हैं, दो निकल के आ रहे हैं, कॉपीराइट भी बड़ा होता है और जो डॉलर साइन तो वो बड़ा होता है ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये स्टार वाला जो सिंबल है तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये तो फादर का साइन है ठीक है, तो ये गलत हो गया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है, जो एक्सेप्शन केस था वो हमने कंप्लीट कर लिया अपना। अब देखो एक्सेप्शन दूसरा क्या है, इफ एनी सिंबल केम ऑफ डिफरेंट फैमिली देन कंक्लूजन ऑलवेज गेट फॉल्स। देखो हमको इतना पता है कि अगर कोई दूसरी फैमिली का सिंबल सा आ गया वो तो गलत हो जाएगा, वो फैमिली सेम नहीं है, फैमिली सेम नहीं है तो हम कैसे मान लें कि जो स्टेटमेंट है वो सही है, सॉरी जो कंक्लूजन वो सही है, तो वो तो हमारा वैसे गलत आता है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये स्टेटमेंट है आप पढ़ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ठीक है, दिन कंक्लूजन हमने यहाँ पर लिखा है, कंक्लूजन में देखो यहाँ एक यहाँ पर ये लिखा है कि f एट द रेट x। अब देखो f कहाँ पर है, यहाँ पर आता है ठीक है, x कहाँ पर है, क्या f क्या x के लेफ्ट में f आता नहीं आता है, तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू को इंटरचेंज किया, हमने f की जगह x लिखा, x की जगह ये लिखा, तो एट द रेट के बदले क्या आ जाएगा, एट द रेट के बदले यहाँ पर आपका स्टार आ जाएगा। अब क्या अब f के लेफ्ट में x आता है, तो हाँ एक्स एफ के लेफ्ट लेफ्ट में एक्स आता है, तो एफ यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, चार सिंबल आ जाएंगे, स्टार कॉपीराइट एट द रेट और डॉलर लिखती है ठीक है। अब इसमें दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आ गए ठीक है, सिर्फ अपने आप ही फॉल्स हो जाएगा, याद रखना कि अगर दोनों फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं ठीक है, तो वो अपने आप ही फॉल्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एट द रेट भी आ गया और यहाँ पर कॉपीराइट भी आ गया ठीक है, और यहाँ डॉलर भी आ गया, डॉलर और कॉपीराइट क्या होते हैं, दोनों ग्रैंडफादर होते हैं एक किस्म से ठीक है, तो दोनों ही एक ही फैमिली के आ गए, दो अलग अलग फैमिली के आ गए और दोनों ही पढ़े हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अपने आप ही ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती मत कर देना कि अरे अरे यहाँ पर तो जो जो बड़ा मेम्बर है वो तो हमको मिल ही क्या है, एट द रेट तो बड़ा होता ही है, सही मतलब ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉपीराइट भी आ जाता ना यहाँ पर, तब भी गलत हो जाता है कि अलग अलग फैमिली के मेम्बर्स हैं ठीक है, अलग अलग फैमिली के मेम्बर्स में कोई बड़ा मेम्बर भी यहाँ पर आ जाता है तब भी वो गलत हो जाता है, इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर तीन बार वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, क्या है एक इन सारे क्वेश्चंस पर कॉमन से पहले या बाद में सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए जो भी हम ठीक है, देन ओनली वी कैन अप्लाई ऑल दिस मेथड, तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे, मतलब इफ कॉमन से पहले या बाद में अलग है ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं ठीक है, देन वी हैव टू रीअरेंज इट एंड मेक्स इट सिमिलर ठीक है, तो हमको उसको रीअरेंज करके सिमिलर होना पड़ेगा। अब एग्जांपल देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है। अभी देखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है कि एफ स्टार ऐसा है, देन ऐसे ऐसा करके यहाँ पर कह रहा हूँ लिखा है ठीक है। अब आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है। अब लिखा क्या है कि स्टेप वन में चूज द अल्फाबेट जो सिंगल सिंगल है ठीक है, तो सिंगल सिंगल अल्फाबेट कौन से, बिकॉज दे बोथ है सिंगल, हमने क्या देखो हमने ई और आर ले लिया, ई यहाँ पर देखो ये ई सिंगल है, आर भी सिंगल है और सब डबल डबल है ठीक है, एफ भी दो बार आ रहा है ठीक है, देन एस भी दो बार आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, देन बी भी दो बार आ रहा है ठीक है, देख हम सिंगल सिंगल ले लिया ठीक है। अब जो सिंगल अल्फाबेट है ठीक है, उन पेयर को ठीक है, यार लास्ट में जो फर्स्ट में है ठीक है, उनको हम लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब देखो उन पेयर जो भी सिंगल सिंगल अल्फाबेट है ठीक है, उनको या लास्ट में जो है उनको फर्स्ट में लिख लिया ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या किया कि जो सिंगल सिंगल पेयर था, आर सिंगल पेयर था, तो हमने आर कॉपीराइट डी लिख दिया, तो यहाँ पर आर कॉपीराइट डी था, हम इसको पहले लिख दिया ठीक है। अब हमने क्या किया, डी डॉलर साइन एफ हमने पहले लिख लिया ठीक है, देन एफ डॉलर साइन ये देखो, फिर हमने क्या करा, जो ये वाला है उसको पहले लिख लिया, सॉरी जो ये वाला डी और एफ को ले ठीक है, और फिर हमने एफ और जो एस है उसको फिर लिखा, देन उसके बाद फिर हमने एस एट द रेट बी को लिखा, देन फिर उसका लास्ट में हमने बी परसेंटेज ई को लिखा ठीक है, ये वाला हमने लास्ट में लिखा।
अब नाउ और अप्लाई ऑल कंडीशन सर, अप्लाई सब कंडीशन अप्लाई होंगे ठीक है, मतलब हमने क्या क्या किया ठीक है, हमने क्या किया जो सिंगल अल्फाबेट थे ना, जो सिंगल अल्फाबेट थे उन पेयर को या लास्ट में ठीक है या फर्स्ट में ठीक है, जो सिंगल अल्फाबेट थे या तो उनको लास्ट में कर देंगे या उनको फर्स्ट में कर देंगे, ऐसा हमने क्यों क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना था, क्योंकि हम बार बार रिपीट हो रहे हैं जो सिंपल से, हम बार बार रिपीट हो रहे हैं ठीक है, तो हमने क्या करना था, हमें ऐसा यूनिक वैल्यू लेके आने थी सबसे आगे जिसमें अल्फाबेट रिपीट ना हो, या वो या तो स्टार्टिंग में आ जाए या वो क्या आ जाए लास्ट में आ जाए, तो हमने एक हमें लास्ट में लिख लिया, देखो हमने एक क्योंकि देखो ई बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमने ये जो वाला सिंबल था इसको बाद में लास्ट में लिख लिया, देन जो सबसे पहले सिंबल था जो रिपीट नहीं हो उसको सबसे आगे लिख लिया। अब देखो आपको क्या किया कि मैं इसको बी परसेंटेज ई को आगे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यार मैं हमने क्या बोला, हमें क्या करना है, हमें सबसे लास्ट में सबसे स्टार्टिंग में जो रिपीट नहीं हो रही है उनको लाना है, अगर आपने इसको बी को बी परसेंटेज ई को सबसे आगे लिया है ठीक है तो दिक्कत हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी, फिर तो बर्बाद वही बन गई ना घूम फिर के, बी तो रिपीट हो ही रहा है, तो आपको इस तरीके से उनको इस अरेंज करना है ठीक है। देखो इन बीच वालों को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, जैसे जैसे हैं उनको आप ऐसे ही अरेंज करो ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये चलती हुआ आ रहे हैं ठीक है, जैसे कि एफ स्टार एस, उनको ऐसे ही लिख सकते हो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉरी मतलब अल्फ़ाबेट के उनकी सेम अल्फ़ाबेट से जोड़ दो ठीक है, जो अल्फ़ाबेट है उनको वैसे ही जोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे जोड़ना है, देखो ध्यान सुनना मैं आपको बताऊँगा ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये, लेकिन आप समझोगे एक दो बार इसको रिपीट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपने सबसे पहले क्या क्या किया, जो आर था जो रिपीट नहीं हो रहे जो सिंगल सिंगल को पहले सेपरेट किया, तो आर और ई सिंगल सिंगल थे वो निकल के आए, आपने देखा कि इसमें जो आर है ठीक है वो आगे सबसे आगे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, एक मिनट देखो ये आर है ना सबसे आगे दिख रहा है ठीक है, और जो ई है वो पीछे साइड को है, इस सिंबल्स में पीछे साइड को है ठीक है, अभी हमने इसको इंटरचेंज नहीं किया क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि ना आप इंटरचेंज करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो भाई मतलब ये हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट हमको स्टेटमेंट एग्जामिनर हमको कन्फ्यूजन करने के लिए उसने आगे पीछे करके वैल्यूज ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज कर जाए कि इसमें हो चल क्या रहा है ठीक है, कुछ कुछ भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, कुछ भी अंडरसेंट है ठीक है, क्योंकि देखो बाकी उसमें क्या होता है कि सब कुछ अल्फाबेटिक ऑर्डर में या फिर एक सीरीज वाइज में होता है ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ही अंटाधुंध लगा रखा है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि उसमें क्या होता है कि जो भी सेम सेम होते हैं वो साथ में होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन देखो उसमें क्या होता है जो सेम सेम साथ में है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये क्वेश्चन देखो ठीक है, अभी हम जो सबसे पहले हम देखा था इसमें देखो पी के बाद क्या, पी क्यू क्यू एस एस देन टी देन टी देन डब्ल्यू देन डब्ल्यू देन ए देन बी सेम है, आप तो दूसरा क्वेश्चन देखो एक्स वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू ई ई एफ एफ पी पी एम है, तो वही यहाँ पर भी बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है देखो यहाँ इसमें ये लिखा है कि कॉमा के सबसे पहले या उसके बाद में सेम होना चाहिए क्वेश्चन में, देन ओनली वी अप्लाई ऑल दिस मेथड, अगर ये मेथड को हम अप्लाई करना चाहिए हमने पढ़ रखा है ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि सेम सेम होना चाहिए, अगर सेम सेम नहीं है तो उसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, उसको सेम सेम बनाना पड़ेगा ठीक है, तो वही हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम सेम सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है, बनाने में दिक्कत क्या है, बनाने में दिक्कत बस इतनी सी है कि हमको सेम सेम सिंगल सिंगल जो वैल्यू पहले तो वो फाइंड करनी पड़ेगी, इसमें ई और आर वो फाइंड वैल्यू निकली ठीक है, अब ई और आर निकल गई, अब हमको क्या करना है, तो हमको आर सबसे पहले हमने ले लिया क्योंकि यहाँ पर आर सबसे पहले था, ई हमने बाद में ली क्योंकि ई यहाँ पर बाद में था, तो हमारा ये सीरीज बन गई ठीक है, अब हमको क्या करना है कि उनको सेम सेम वैल्यूज में जोड़ देना है ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेम सेम जुड़ाएगा, कैसे मतलब सबसे पहले क्या आता है ए बी सी डी में आप बताइए, इस पर क्या आता है, डी आता है, डी आएगा ना देखो इसके बाद, ये देखो यहाँ पर डी है तो इसके डी के बाद क्या आएगा, डी तो आएगा तो हमने डी जोड़ दिया इसके बाद ठीक है, इसके डी डी सेम हो गया, देन एफ एफ तो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि डी के बाद आएगा तो एफ तो अपने आप आएगा, हमने कोई वैल्यू इंटरचेंज नहीं करी है, तो डी का तो अपने आप आ गया, अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर जो एफ को कौन जोड़ सके ठीक है, इसके पीछे जो जो वैल्यू जुड़ जोड़ सके वो देखनी है, तो एफ वैल्यू जुड़ जाएगी इसके पीछे, हम तो एफ वैल्यू हमने लिख दी ठीक है, अब पीछे ऐसा आ गया तो हम देखेंगे एस आगे कौन सा आ रहा है, एस यहाँ पर आ गया तो जोड़ दिया, बी तो बी की बात तो बी आएगा फिर हमने वही जोड़ दिया ठीक है, तो लास्ट में तो ये वैल्यू आनी चाहिए, तो ये ना अप्लाई तो अब ना अब इसमें जो जो कंडीशन है ना वो अप्लाई हो सकती है, जो भी हमने पढ़ा था अभी ठीक है, उस तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चटनी कर सकते हैं, इसमें हम इक्वेशन जो भी अपनी फॉर्मूला है जो भी हमने जो सीखा वो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पहली सीरीज थी उसमें हम कुछ भी स्टेटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर कुछ भी जो एक सीरीज़ में नहीं था, तो अगर हम करते तो हमें बहुत दिक्कत होती है और जो आंसर है वो अटपटा आता है, उसमें बिल्कुल भी सही नहीं आता ठीक है,
तभी हमें इसको रियलाइज करने की ज़रूरत पड़ी। नोट करने वाली बात क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बी कॉपीराइट जो डी है एग्जांपल, उसको हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो कैसा बन जाएगा वो डी कॉपीराइट के बदले क्या आ जाएगा, डॉलर डॉलर सा आ जाएगा, तो डी डॉलर बी आ जाएगा। अगर अल्फ़ाबेट आगे या पीछे, ठीक है, अगर अल्फ़ाबेट आगे या पीछे करना है तो आप इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको इसको आगे लाना है, इसको पीछे लाना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो आगे अगर आपकी वैल्यू नहीं बन रही। ठीक है, तो आगे पीछे आ गया तो इंटरचेंज ए एस टू एस चल लिया। ठीक है, स्टेटमेंट को मैं ब्लॉक इंटरचेंज इन सेम वे एंड एस ब्लॉक इंटरचेंज टू। ठीक है, क्या करना है आपको, बस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं बन रहा है जो पेयर है वो नहीं, ऐसा पेयर नहीं बन रहा है, तो आप जो वैल्यूज को इंटरचेंज कर करके देख सकते हो। ठीक है, ताकि जो आप चाहते हो वैसा बन जाए। ठीक है, तो ये करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अपना जो लेवल थ्री है, लेवल थ्री में किस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, हुआ क्या, देखो बी कॉपीराइट डी आया, देन एफ डी आया, ई एफ, देन बी आई। ठीक है, क्या इसकी सेम सेम है, नहीं बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो मैं देखना सिंगल कौन है इसमें, पहले सिंगल ई सिंगल है यहाँ पर, और कौन सिंगल है यहाँ पर, तरह से सिंगल है टी। ठीक है, ये टी है या आई नहीं है, टी है, मैंने जिसे मार्क कर रखा है। ठीक है, तो ई सिंगल है, टी सिंगल है, तो ई को हमने क्या, इस वैल्यू को हमने आगे लिख लिया, इसको इस भाई को हमने पीछे लिख लिया। ठीक है, अब देखना है कि एफ, ये एफ कौन मैच करेगा, तो इस एफ को मैच करने के लिए हमारे पास ये भाई है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस भाई को लिख लिया, देन हमें देखना है कि डी को कौन मैच करेगा, तो डी को डी तो यहाँ पर एक अकेला यही है, लेकिन इसमें वैल्यू अलग है, तो हमने क्या करा, इस वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, डी के बदले बी, बी के बदले बी, वैल्यू चेंज आएगी, तो यहाँ पर आपका डॉलर साइन आ गया, और फिर हमने यहाँ पर इसको दिख लिया, तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। कंक्लूजन में हमें दो वैल्यू दी गई थी कि क्या ये था, तो फिर तो आप पता ही कैसे जो वैल्यू है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखा है कि एफ ई बी सी ई डी सी डी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले यहाँ पर सिंगल सिंगल देखा, तो एफ सिंगल था, फिर ए था। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि जो ए है वो आगे है, हमें तो उसको पीछे लेना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट फर्स्ट और लास्ट में सिंगल सिंगल आना चाहिए, तो हमने वैल्यू इंटरचेंज कर दी, यहाँ पर डॉलर साइन आ गया, वैल्यू इंटरचेंज हो गई। बाकी फिर हम तो यहाँ पर क्या करना है, अपनी रेल चलानी है, बनाते जाना है, रेल चलाते जानी है। ठीक है, कुछ नहीं है फिर तो, आसानी है। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वैल्यूज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा लेवल थ्री था, तो लेवल थ्री में क्या है, तो लेवल थ्री में ये है कुछ मामला ऐसा कि ये वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, केस वन में क्या देखा, स्टेटमेंट दे रखा आपको कि पी देखो जो लेवल थ्री है ना, देखो अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो इतना काफ़ी है, एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम में दे देता है क्वेश्चन, कि जहाँ पर वो चाहता है कि बच्चा कर ना पाए वो गिव अप कर दे। ठीक है, तो यार अब आपके पास अगर टाइम है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यार देखो अगर सीरीज अगर टेढ़ी मेढ़ी आ गई, ठीक है, जहाँ पर आपको सीरीज बदलनी है, तो उसमें टाइम आपको लगेगा। ठीक है, आपके 2 मिनट लग जाएंगे पूरा चेंज करने में, आंसर निकालने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 2 मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको आते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, कि आपको ये अटैम्प्ट करना, ठीक है, लेकिन हाँ देखो मैथ को आपको क्या करना है, आपको बीच में मिडिल में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको मतलब से लास्ट में नहीं करना है, क्योंकि फिर हड़बड़ी होती है और फिर आपके क्वेश्चन गलत जाते हैं। ठीक है, तो मैथ को आप रखना बीच में, और देखना है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे जल्दी सॉल्व हो सकते हैं फटाफट से आपको सॉल्व भी कर देना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, देखो इनको आप समझ लो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको आ ही जाएंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम आपको कर ही देना, मैं बस इतना बोल रहा हूँ उसको समझ लो। अगर आपके पास टाइम मिलता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, इनमें आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको अटैम्प्ट करो। लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं, सब मेरी पकड़ अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो। ठीक है, क्योंकि आपके काम ही आएगा, यहाँ कई बार बात नहीं आता है। ठीक है, तो केस वन क्या, स्टेटमेंट देखा है यहाँ पर, पी क्यू देन एस टी देन ए एस एस सी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये अरेंजमेंट में नहीं है। ठीक है, और इसने कंक्लूजन दे दिया, तो यहाँ पर हेयर वी कैन नॉट इंटरचेंज एनी वन और टू। ठीक है, यू हैव टू इंटरचेंज ऑन ऑल द एलिमेंट, सो वी ब्रेक इनटू टू टू पेयर्स। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम कुछ भी इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सभी अंटाधुंध हैं, मतलब कुछ भी सेम सेम नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए पी क्यू, क्या यहाँ पर पी क्यू दोबारा रिपीट हो रहे, नहीं हो रहे। देन एस टी, एस तो रिपीट हो रहा है लेकिन टी नहीं हो रहा है। देन टी ए, देन टी और बी ए रिपीट नहीं हो रहा है। देन एस सी, एस हो खाली एस ही हो रहा है, बाकी रिपीट नहीं हो रहे। तो दिक्कत यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
जो जो वैल्यूज़ है ना वो सेम सेम है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसको, हमें इसको क्या करना है, हेयर कैन नॉट इंटरचेंज एनी वन और टू, ठीक है। वी हैव टू इंटरचेंज एन ऑल एलिमेंट, सो वी ब्रेक इन टू 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 पेयर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको दो पेयर में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि इसको हम इंटरचेंज कर सकें, नहीं क्यों नहीं तो इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्यू और एस को, ठीक है, देन जो टी, अरे हाँ ये देखो 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 यहाँ पर क्या, देखो ये देख रहे हो, अभी देख रहे हो इसने दो वैल्यू दे रखी है खाली, ये कॉमा के बाद ये वैल्यू, देन ये वैल्यू, ये पूरी एक है। ध्यान से देखो, आपको कैमरे में अगर दिख रहा होगा साफ साफ, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो P कॉपीराइट Q, देन Q स्टार S, फिर कॉमा है, तो ये पूरा एक हो गया और ये पूरा एक हो गया, ठीक है। तो इसने घुमाने के लिए, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक के बाद कुछ अलग ही वैल्यू है, देखो इसके बाद कुछ अलग वैल्यू, इसके बाद अलग अलग, सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको ब्रेक करना है दो दो के पेयर में, जैसे हम करते आ रहे थे, देन अपने ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। तो हमने क्या किया, पी और क्यू का ब्रेक किया। अब देखो जब ये ब्रेक होगा ना, देखो क्यू के बाद जब एस ब्रेक होगा, इसको दो दो के पेयर में जब ब्रेक होगा, तो हम क्या है, यहाँ पर क्यू आएगा स्टार्टिंग में, तो क्यू स्टार्टिंग में आ गया, देन क्यू स्टार ऐसा आ गया, देन जब ये एस और जब टी ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो सेम ही आएगा, ठीक है, एस वैसे आ जाएगा, तो टी परसेंट ए आ गया, ठीक है। अब टी परसेंट ए जब ये ब्रेक होगा ए, तो यहाँ पर दोबारा से ए आ जाएगा, ठीक है। हम दो दो ब्रेक कर दिया, आप समझ गए ना ब्रेक कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, इसके जो जो ये जो एलिमेंट है ना, कॉपीराइट स्टार, इनके पास जो वैल्यूज आ रही है ना, वो सेम वैसी वैल्यू आ जाएंगी दूसरे वाले में, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। हियर एस केम थ्री टाइम्स, अब यहाँ तीन टाइम्स आ गया, ठीक है। इफ़ एनी अलफाबेट केम थ्री टाइम्स, यू कैन नॉट करेक्ट दैट स्टेटमेंट, सो ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी अलफाबेट तीन बार आ जाता है तो आप उसको सही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब वो एक पंगा फंस चुका है, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, पुरानी कहावत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो कहावत अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब स्टेप टू में क्या है कि कंक्लूजन में आओ एंड जस्ट सी हाउ मेनी ब्लॉक शुड वी हैव टू यूज टू गो टूवर्ड्स द अदर ब्लॉक, ठीक है। आपको देखना है कि कितने ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं कि हम दूसरे ब्लॉक में जा सकें। फॉर एग्जांपल के लिए ये देखो, इसने देखा है कि पी कॉपीराइट सी, ठीक है, क्या कंक्लूजन सही है। तो हमें देखा कि पी कॉपीराइट क्यू आया, देन क्यू, देन एस, देन एस, देन क्या सी, ठीक है। तो पी से सी जाने में कितने, तो सी के अगर लेफ्ट में आएंगे, ठीक है, तो कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज दोज ब्लॉक्स ओनली विच इज बीन रिक्वायर्ड एंड लेफ्ट द अदर वन, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो रिक्वायर्ड है ना उनको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, ठीक है, और जो विच इज बीन रिक्वायर्ड एंड लेफ्ट द अदर वन, जो अदर वन उनको लेफ्ट कर दो, ठीक है। मतलब जो अभी काम आ रहे हैं उनको तो आप यूज़ कर लो उनको, ठीक है। थिंग्स तो नोटेड दैट कॉमा के पहले एंड बाद वाला अल्फाबेट सेम होना चाहिए, इफ़ नॉट देन वी हैव टू मेक इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि तीन तीन सेम आ गए, ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको आप कर ही सकते हो उसको सेम। तो ये बोल ये रहा है कि फॉर एग्जांपल के लिए पी से लेगा सी तक बोल रहा है, पी से लेगा सी तक, तो यहाँ पर तो सेम है ना, यहाँ पर हम सेम बना रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर दो बार ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना काम चला सकते हो। समझ में आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक आप काम बन रहे हैं वहाँ तक आप चला सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए जहाँ पर काम नहीं बन रहे तो आपको कुछ सेम सेम करना पड़ेगा, अभी हम जो पढ़ा पहले पढ़ा था उस तरीके से ना सेम बना के चीज़ें वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नोट वाली पॉइंट क्या है कि इफ़ कॉपीराइट और कॉपीराइट और स्टार आता है दो बार सेम सिंबल, सो वी ओनली काउंट इट ओनली वन टाइम। सो अगर दो बार काउंट होता है, अगर दो बार आता है, तो उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, दो बार काउंट नहीं करना है, दो बार नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर वैसे भी अगर कॉपीराइट दो दो बार आता है, कॉपीराइट ही आंसर होगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे आते हैं, ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एन लेस देन है ए, बराबर है टी, और टी ग्रेटर देन और इक्वल है जेड के, देन एस आर ग्रेटर देन और इक्वल है टी के, देन जेड लेस देन है एस के, ठीक है। तो हेयर वी यूज सेम चार्ट, ओनली एक्सटर्नल सिंबल्स यूज नहीं होंगे, ठीक है, अदर देन ऑल थिंग सेम, टू टू पेयर में बांटना है ऑल दैट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम जो करते आए थे ना वही यहाँ पर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे थे, कॉपीराइट स्टार परसेंट, ठीक है, यहाँ पर हम वो कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें सीधा हम सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमने चीज़ें वही हैं, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या करना है, दो दो के पेयर बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ के दो दो के पेयर बांटते गए यहाँ पर, तो वी यूज सेम चार्ट ओनली एक्सटर्नल सिंबल यूज नहीं होंगे, ठीक है, अदर देन दैट ऑल सेम, टू टू पेयर बांटना है, केस वन केस का यूज करके यहाँ, ठीक है। केस वन अभी हमने पढ़ा था, और केस जो लेवल थ्री था वो आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाता हूँ सिंबल्स कहाँ पर है, ये देखो, ये आपका लेस देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन, देन इक्वल, देन ग्रेटर देन, ये परसेंट, ठीक है। अब देखो घूम फिर के बाद यहाँ पर आ गए कि आपको अगर ये टेबल याद है, ये टेबल याद है तो आप इजीली कर सकते हो, उसको याद कर लो।
एक टेबल है, दो फैमिलीज हैं उसके अंदर, सबसे नीचे परसेंटेज का सिंबल है, ऊपर लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, देन उसके लेफ्ट राइट साइड में ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, देन नीचे लेस देन का सिंबल है, देन उसके नीचे ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, और सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टार का सिंबल है, देन नीचे कॉपीराइट का, देन यहाँ परसेंटेज का, यहाँ और यहाँ पर एट द रेट का, यहाँ पर डॉलर का साइन है, ठीक है, यहाँ पर। और ये फैमिली वन है, ये फैमिली टू है, ये जो सबसे ऊपर है वो फादर है, ये नीचे ग्रैंड फादर है, यहाँ फादर, यहाँ ग्रैंड फादर, यहाँ पर जो सबसे कॉमन आता है वो आपका परसेंटेज में सन है, ठीक है, ये कॉपीराइट वाला याद रखना, कॉपीराइट के सबसे आगे डॉलर का साइन है, और ये स्टार, देन ये एट द रेट, खत्म, इतना ही है यहाँ पर, कुछ नहीं है, ठीक है, बस इसको अब एंड करेंगे, ठीक है। एक बार हम जो हमने पढ़ा भी जो लास्ट में, ठीक है, उसको आपको एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि हमें जो चीज़ें हैं उसमें क्लियर हो जाएँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हम इसको तोड़ दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तोड़ दिया हमने एन लेस देन इसको इक्वल टू, ऐसे हम तोड़ दिया, और यहाँ से मतलब देखिए आर क्या बड़ा है एन से, ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, वहाँ पर कई चीज़ अप्लाई करनी है कि यहाँ पर कितने सिंबल आ रहे हैं, तो एन के लेफ्ट में आर आ रहा है, तो देखो एन के लेफ्ट में एन आर आ रहा नहीं आ रहा है, तो एन के लेफ्ट में आर तो नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर करनी पड़ेंगी, पहले आप सॉरी पहले देखो कि एन के लेफ्ट में आर आ रहा है, एन कहाँ पर है, देखो एन 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 देखो ये देखो आर के लेफ्ट में आ रहा है एन, ठीक है, यहाँ पर तो गलत हो गया, तो हम अपनी वैल्यू इंटरचेंज करिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, लेस देन की ये ग्रेटर देन की बदले क्या आएगा, लेस देन आ जाएगा। अब देखो क्या आर के लेफ्ट में आ रहा है एन, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है आर के लेफ्ट में, लेकिन कितने सिंबल की बात, एक दो तीन, तीन सिंबल की बात, ठीक है, तो देखेंगे सबसे बड़ा सिंबल कौन है, सबसे बड़ा सिंबल है एट द रेट और इक्वल टू, सॉरी मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा तो यहाँ पर ये यही सिंबल है जो इस्तेमाल हो रखा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ करना है और इजी है, देखो यहाँ पर भी सेम यही हो रखा है, ये देखो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है, पॉज करके वीडियो, क्या ये सही हो रखा है, अपने सोच से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर सेम वही है जो हम करते हुए आए हैं, ठीक है, कुछ भी नया यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब एक आपको लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा ताकि आपके मन में क्वेश्चन तुम्हारे तक वो बोलता है, ठीक है, एदर एंड और इन कंक्लूजन, ठीक है, कभी कभी कंक्लूजन में एदर दे देता है या फिर और दे देता है, कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल वो ऐसा दे देगा कि आपने उसने स्टेटमेंट दे दिया, देन उसके यहाँ पर कंक्लूजन दे रखा है उसने दो, एदर वाला केस वेन बोथ रॉन्ग, ठीक है, वो बोलेगा कि एदर दे ऑल, अगर वो एदर दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब कि दोनों गलत है, ठीक है, और का मतलब होता है या तो ये है या तो वो है, ठीक है, आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं करना है, अगर उसने एदर बोले उसका मतलब दोनों गलत है, ठीक है, तो ये घुमाने के लिए वो देख कर देता है कभी कभी एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंडीशन के तरीके वैन गोइंग टू ए टू सी, ठीक है, सिंबल सेम फैमिली के नेसेसरी होने चाहिए, इफ़ वांट टू यूज़ एदर केस, ठीक है, अगर एदर केस को इस्तेमाल करेगा उसका मतलब कि ए से लेकर सी तक सेम फैमिली के मेंबर है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, नैदर ये देखो ये नैदर वाला केस है, इस स्टेटमेंट दे दिए यहाँ पर दोनों गलत है, ठीक है, तो नैदर वाला केस बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैमिली वैन बोथ रॉन्ग, ठीक है, तो हम नैदर का इस्तेमाल करेंगे जब दोनों डिफरेंट फैमिलीज के हैं और वैन बोथ जब दोनों के दोनों रॉन्ग है, ठीक है, तो एदर केस क्या होगा जब सेम फैमिलीज के हैं, और नैदर वाला केस जब दोनों अलग फैमिलीज के हैं और दोनों रॉन्ग है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत लंबी होगी, ठीक है, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में यार, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू, और या प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, आगे करवाओगे, एक रीजनिंग की बुक आती है उसको आप प्लीज़ परचेज कर लीजिए ताकि आपको रीजनिंग क्वेश्चन आप लगा सको उसमें, ठीक है, यहाँ पर हमने सारे लेवल जो जितने लेवल हो सकते हैं उसको टेस्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है, ताकि आप काम आसान कर सकें, अब आपको मैथ थोड़ी मेहनत करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने है, ठीक है, याद रखना मैंने आपको जितना बता रखा है ना वो आपके बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगा जब तक कि आप अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप हज़ार बार कौन सा कर लो, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देख लो या फिर आप अलग अलग कोर्स लगा लो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस के, ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि जिसको आता है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको 50 से 60, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, आप बिल्कुल नूब हो, ठीक है, आप कॉमर्स थे आपकी, आपको आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यार प्लीज़ 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है, आपके माइंड में छप जाएंगी चीज़ें, अलग अलग पैटर्न्स भी छप जाएंगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखना, और यार मेहनत करते रहो, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ कि शॉर्टकट से रीजनिंग आ जाएगी या मैथमेटिक्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है,
मेहनत लगेगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, लगन से लगे रहो और हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जिनको मैथ आती है वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू आते हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना। बस इतना है कि उनने प्रैक्टिस ज़्यादा करके उनने मैथ क्वेश्चन उनने टाइम ज़्यादा लगा रखा उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। और अगर आप भी उतना समय लगाओगे, उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगाओगे, कॉन्सेप्ट में समय लगाओगे, रिविजन करोगे बार बार, ठीक है, तो आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, ठीक है, सॉरी मतलब सॉरी कोई मैजिकल चीज़ नहीं है। तो यार टिल देन सी यू टाटा, बाय बाय, मिलते हैं आपको ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप और वीडियो देखनी है रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की तो मैंने बना रखी है यार, जाके चेकआउट कर सकते हो, वीडियो कैसे लगी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू टाटा, बाय बाय, थैंक यू। और अपने हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने हेल्थ का अपना गिव अप कर दिया और आपने नॉलेज गेन कर लिया अपने हेल्थ की कॉस्ट पर, तो ये गलती मत करना। एंड बाकी सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। See you in the next video. Thank you.